हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टेक आरसी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताऊंगा ये जो कॉपर पीसीबी है इस पर हम लोग किस तरह प्रिंट कर सकते हैं इस लेआउट को, और इस लेआउट को प्रिंट करने के बाद इसको हम लोग किस तरह इचिंग करेंगे तो हम लोग का पीसीबी तैयार होगा। फिर इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इस पर माउंटिंग कैसे करते हैं कंपोनेंट, फिर उसको सोल्डिंग कैसे करते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर अभी इस पर प्रिंट करते हैं, देखते हैं किस तरह प्रिंट होता है। सिंपली हम लोग को ये जो प्रिंट करना है इस लेआउट को पहले बनाना पड़ेगा। हम लोग मोबाइल से भी इस लेआउट को बना सकते हैं और हम लोग अलग से लैपटॉप से भी इस हम लेआउट को बना सकते हैं। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम लोग लेआउट तैयार करते हैं। पर अभी ये जो लेआउट है जो मैंने तैयार किया है इसको हम लोग को फोटो पेपर पे प्रिंट लेना है। सिंपली फ़ोटो पेपर पे प्रिंट लेने के बाद हम लोग को इसको इसके साथ अटैच करना है। पर ये याद रखना है ये जो फोटो पेपर पे प्रिंट लिया है ये रेजर प्रिंटर से ही प्रिंट होना चाहिए, ना तो इस पर छपेगा नहीं। सिंपली इस तरह मैं इसको रख रहा हूँ। रखने के बाद ये हिलने का डर रहता है तो इसलिए मैं इस पर हल्का सा टेप लगा रहा हूँ। जिससे ये हिलेगा नहीं। फिर इसके बाद हम लोग को इसको ये साइड से प्रिंट जो फोटो पेपर है उस साइड से हम लोग को एक आयन लेके उसको हीट मतलब गर्म करना है और उसको इस पर प्रेस करना है। प्रेस सिंपली इस तरह इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ज़्यादा टाइम प्रेस मत कर देना, हाँ तो आपका जो अंदर का लेयर है वो जल जाएगा। जो हमारा ये प्रिंट है वो जल जाएगा ना, तो ज़्यादा टाइम प्रेस मत करना। अब इसके बाद ये जो है इस पानी में इसको उठा के डाल देना है। सिंपली अब ये पानी में चला गया। अब ये जो पेपर है इसको हम लोग को बाहर निकालना है। इस तरह आप पेपर को निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम लोग को ये जो पीसीबी है इसको थोड़ा सुखाना पड़ेगा। सिंपली इसमें कुछ लाइनें हैं जो सही से प्रिंट नहीं हो पाए, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपली हम लोग को उस लाइन को खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपली कहाँ प्रिंट नहीं हुआ है उसको देख लो और अपने जो लेआउट है उससे मैच कर लो। सिंपली मेरा ये लाइन प्रिंट नहीं हुआ है तो इसे हम प्रिंट कर देंगे।
फिर अब इसके बाद हम लोग को एचिंग लिक्विड में डालना पड़ेगा। सिंपली हम लोग को ये जो एचिंग लिक्विड है मैं इसका यूज कर रहा हूँ। सिंपली इसको एक बॉटल में पहले इसको मैं डाल रहा हूँ। सिंपली इस बॉटल में मैं इस लिक्विड को डाल रहा हूँ। ये लिक्विड कुछ इस तरह दिखता है। इस बॉटल में मैंने लिक्विड डाल दिया है। सिंपली इसको ढक्कन बंद करके मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक छोटा सा डब्बा लेना पड़ेगा अपने को। और वो जो लिक्विड है वो इसमें डाल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो पीसीबी हम लोग ने लेआउट प्रिंट किया था इसको हम लोग को इसमें डाल देना है। और कुछ टाइम तक इस तरह इसको हिलाते रहने का, जिससे इसका जो कॉपर है ये इसके अंदर घुल जाएगा, पर जहां अपना लेआउट प्रिंट हुआ है वो हमारा कॉपर नहीं घुलेगा इसके अंदर। फिर आप देख सकते हो इसका कॉपर घुला है क्या नहीं सही से। इधर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा घुल रहा है कॉपर। इसको इसी तरह इसको इसी में लिक्विड में ही रहने देने का कुछ टाइम, जब तक वो कॉपर घुल नहीं जाता। लिक्विड का पावर ज्यादा रहता तो मेरा कॉपर फटाफट से घुल जाता था, पर मैंने इसमें लिक्विड जो है उसको कम मैंने मिलाया है। जो इचिंग का जो था ये मैंने इसमें कम मिलाया है, इसके वजह से ये थोड़ा टाइम लगेगा। इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा। देख सकते हो आप किस तरह कॉपर घुल रहा है, साइड साइड का घुल चुका है। इस तरह ये पूरा कॉपर घुल जाएगा, पर जहां हम लोग ने प्रिंट किया है लेआउट वो कॉपर रह जाएगा। लगभग एक कॉपर घुल चुका है, फिर भी इसमें साइड साइड में कुछ जगह पे रह चुका है, तो इसको घुलने के लिए मैं इसको फिर से थोड़ा लिक्विड में डाल दे रहा हूँ। आप देख सकते हो साइड में थोड़ा सा कॉपर है, इसको थोड़ा और लिक्विड में डाल दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग को इस पीसीबी को बाहर निकालना है। सिंपली इस पीसीबी को बाहर निकालने के बाद हम लोग को इस पीसीबी को अच्छी तरीके से चेक करना है,
कहीं कॉपर छूट तो नहीं गया है? यदि छूट गया है तो उसको फिर से इचिंग कर दो, पर मेरा इसमें कहीं कुछ कॉपर छुटा हुआ नहीं दिख रहा। सिंपली अब मैं इसको इस लिक्विड को हटाऊंगा और यहाँ पर हम मैं सिंपली पानी को लेकर आऊँगा जिससे मैं इसको साफ करूँगा। सिंपली मैं इसको पानी में डाल दिया। अभी भी कोई कुछ दिख रहा है छुटा हुआ कॉपर, मतलब जो रह गया है कॉपर ऐसा कहीं? नहीं दिख रहा। सिंपली अब मैं इस पीसीबी को जो प्रिंट किया था मैंने इसको मैं छुड़ाऊंगा। सिंपली छुड़ाने के लिए मैं कोई रिमूवर का यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई रिमूवर लिक्विड का यूज नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों के घर पे पीताम्बरी होता ही है, तो सिंपली मैं इस पीताम्बरी का यूज कर रहा हूँ। इस पर हल्का सा फिर उसके बाद इस काते से मैं इसको घस रहा हूँ। यहाँ पर जो टेप लगाया था टेप की वजह से कुछ निशान पड़ चुके हैं, तो इसको भी मैं घस दे रहा हूँ। हमारा पीसीबी प्रिंट हो गया। सिंपली अब इसको थोड़ा सूखने को रख देते हैं। आप देख सकते हो किस तरह मेरा प्रिंट हुआ पीसीबी। और ये हमारा लेआउट था। आपको कुछ मिस्टेक लगता है, जैसे कि मैंने जब मार्कर से इसको दोहराया था तो यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया था, देख सकते हो इस लाइन में मिस्टेक हो गया था, ये इससे शॉर्ट हो गया। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा बुलेट लेना है और इसको 2-3 बार इस तरह करना है, घसते घसते ऑटोमेटिक ये इससे अलग हो जाएगा और आप इसे सोल्डिंग कर सकते हो फिर इजीली जहाँ सोल्डिंग करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा इस पर हम लोग किस तरह डीलिंग कर सकते हैं, किस तरह माउंटिंग कर सकते हैं, किस तरह सोल्डिंग कर सकते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। सिंपली आज के